सही बात पूछो तो सारी साधना केवल देह भाव को मिटाने के लिए है। देह भाव मिट्टी, जो भाव करो वही आनंद में डूबो, चाहे आत्म स्वरूप ब्रह्म भाव करो, चाहे भगवत भाव करके सखा सखी गोपी गोपा जो चाहो भाव कर लो, क्योंकि आत्म स्वरूप कैसा भाव करो जैसा। विचार करना, जैसे मानो एक सन्यासी है, वो आत्म स्वरूप को निर्गुण निर्विकार देख रहा है, अनुभव में आता है ना। एक भक्त है, उसे दास रूप में देख रहा है, दास शरीर थोड़ी होता है, दास स्वरूप भाव में उसने भावना की भेद बुद्धि करके, और तो उसे दास सेवक भाव अनुभव हो रहा है। जो जैसे भावना करता है आत्म स्वरूप, जैसे अभी हम देह भाव में हैं, तो हमें यही तो लग रहा है मैं यही हूं, तो आत्म स्वरूप की भावना हम देह भाव में कर लिए ना, अब इसे हटाइए, आप जो भाव कीजिए। अंतिम समय यदि मृग का चिंतन करते हैं तो आत्म स्वरूप मृग स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है, भरत जी को देखो। अंतिम समय में स्त्री का चिंतन करते हैं तो पुरंजन अगलाजन स्त्री का, आत्म स्वरूप कैसा भाव करो जैसा, कोई भाव न करो तो मुक्त हो गए, समझ गए, कोई भाव में मुक्त हो गए। अगर भाव कर रहे हो तो किस कोटि का कर रहे हो, जो कर रहे हो उसी का फल है। अपने लोग क्या भगवत भाव, अपने लोग क्या सखी भाव, अपने को सखा भाव, अपने को दास भाव, जो भाव करो सो वो आपको प्रभु ऐसे अनुभव, आत्मस्वरूप प्रभु है, और कोई भाव नहीं तो जीवन मुक्त हो। समझ में आ रहा है, आत्मस्वरूप कैसा भाव करो जैसा, और कोई भाव ना करो तो इसे कहते हैं निराकार और निर्विकार चिदानंद में स्वरूप। बिल्कुल सब सिद्धांत सत्य है, पर अपने भाव को पहले शरीर भाव से हटाना होगा। जब तक शरीर भाव है तब तक विषय भाव है, कोई भगवत भाव नहीं, कोई ज्ञान भाव नहीं, कोई योग भाव नहीं। योग में भी चित्तवृत्ति का निरोध करके विषयों से हटाकर आप परमात्मा स्वरूप प्रभु में लगाया जाता है। ज्ञानी जन देह भाव का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, भक्त जन देह भाव का नाश कर भगवत स्वरूप में, जिसे आत्मा कहते हैं ज्ञानी जन, भक्त जन उसे भगवान कहते हैं, योगी जन उसे परमात्मा कहते हैं, तो वही एक तत्व, समझ रहे ना। ये देह भाव हटाना, तुम पुरुष न थे ना हो न रहोगे, ये पोशाक पुरुष के धारण करने से कोई पुरुष नहीं हो जाता, पर ये भाव मिटना बड़ा कठिन है, इसीलिए साधन में लगाया जाता है। अगर भाव अभी समझ में आ जाए तो अब भी आत्मा का कोई बंधन नहीं है, इसीलिए मोक्ष भी झूठा और बंधन भी झूठा। अब वो कोई कहेगा शास्त्रों में इतना मोक्ष का महिमा लिखी है, तो मोक्ष भी झूठा है और बंधन भी झूठा है। जब बंधन ही झूठा है तो मोक्ष कैसा, किसका सहज स्वरूप मुक्त आत्मा का कभी बंधन हुआ ही नहीं, तो झूठा ही तो है मोक्ष। बता, अब बताओ कभी आत्मा का बंधन हुआ क्या, कभी आत्मा के त्रिकाल में कहीं बंधन शास्त्र में लिखा हो तो मैं बताऊं। तुमने माना, तुम्हारी मान्यता ही बंधन है, तुम्हारी मान्यता ही मोक्ष है, तब के वो मान्यता जितनी जल्दी तुम बंधन से हटा पाओ उतनी जल्दी मोक्ष को प्राप्त हो गए, यही मोक्ष है। ना बंधन है ना मोक्ष है, बंधन और मन मोक्ष ये मन की मान्यता के अनुसार है। आप अपनी मान्यता को मन से हटाकर स्वरूप में स्थित कर सकते हैं। इसी के लिए बहुत से साधन बताए गए, ज्ञान मार्ग, कर्मयोग मार्ग, भक्ति योग मार्ग, जिस मार्ग से चले ये प्रपंच का जो है ये वैराग्य भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आंतरिक बातें समझ में नहीं आती, चाहे प्रवचन जितना कर ले चाहे जितना सुन ले। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, चाहे जितना प्रवचन कर ले लेकिन आत्म तत्व का बोध नहीं होता, चाहे जितना प्रवचन सुन ले, चाहे जितना बुद्धि बलवान हो आत्म तत्व जब वरण करे तब होता है। हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाए और सब बाहरी, आज हम चाहे जितना सुने व्यवहार कोई सत्य मान रहे, देख लीजिए छोटी छोटी बात में प्रतिकूलता अनुकूलता लड़ाई झगड़ा राग द्वेष कहां है, केवल बातें केवल हो रही, आत्म तत्व बोध की तरफ या भगवत मार्ग की तरफ सच्चाई से चलने लगो अंदर ही मार्ग दिखाई देने लगेगा, अंदर ही प्रकाशित हो जाता है मार्ग। साधकों को ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी पड़ती, जैसे एक यमुना स्नान करने शिष्य जा रहे थे तो गुरु जी ने टार्च दी, अंधेरा था एकदम धीमी सी एक पैर दिखा, बोले गुरु जी इससे लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, बहुत कम प्रकाश, बोले जितना एक पैर के लिए प्रकाश है बस वो पैर बढ़ाते चले जाओ तो हर पैर में प्रकाश मिलेगा, आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बस ऐसे ही हमें जो नाम मिला है थोड़ा चिमचिमाहट सी लग रही है आनंद की, उतने भी आप चलना प्रारंभ कर दो आपको लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। होता क्या है हम इस बात में परेशान रहते हैं, ये मंत्र नहीं वो मंत्र, मंत्रों से कुछ नहीं होना, चिंतन से होना है। आप चिंतन सुधार लो अभी ठीक हो, अभी आनंद आ जाएगा। कुछ ना जपे, कुछ ना जपे, कुछ ना चाहे, जीवन मुक्त हो गए। ये जितन चाहे संन्यास मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, ये जो नाना प्रकार के भागवतिक बातें हैं ये विषय चिंतन मिटाने के लिए है। एक स्थिति ऐसी आती है पूर्ण कृतकृत्यता का अनुभव होता है,
वो जप वाला भी नहीं रहता। और संतों ने तो इतना कहा है कि आराध्य देव ही उसका जप करते हैं, वो तो पड़ा रहता है। आगे की स्थिति काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाव प्रसाद।